हर साल बिग बॉस में एक नया थीम होता है, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, एक बार जो है बोट का था, एक बार जो है जन्नत और जन्नम का था, लास्ट ईयर जैसे जंगल का था, वैसे इस साल जो है आपको सर्कस का थीम दिखाया जाता है। आप सेट पे अगर गौर करोगे तो देखोगे कि हर जगह पे बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से इस सेट को डिजाइन किया गया है। आपको बता दूं, बिग बॉस का हर साल का जो सेट डिजाइन होता है वो उमंग कुमार करते हैं। उमंग कुमार अपने रिसेंट एक इंटरव्यू में कहे कि लास्ट ईयर ही उनकी वाइफ ने कह दिया था कि बिग बॉस 16 का जो थीम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सर्कस का होगा। उसके पीछे का टेंशन ये है कि आने वाले जनरेशन जो है या फिर न्यू जनरेशन जो है, जिन्होंने कभी भी सर्कस देखा ही नहीं, सिर्फ सुना है या फिर फिल्मों में देखा है, उनको वो एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं कि सर्कस होता कैसे है। वैसे देखा जाए तो बिग बॉस का घर अपने आप में एक सर्कस है, जहां के मेन रिंग मास्टर बिग बॉस खुद है और अपने हिसाब से हर किसी को नचाते और दौड़ाते हैं। इस साल अगर बिग बॉस के घर के अंदर में थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ये फील होगा कि कलर बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट रखा गया है। हर एक कलर जो है बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग फील करवाता है और आपको ये एहसास दिलाता है कि इसको एक आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है। उमंग कुमार नो डाउट कि वो अपने आप में एक आर्टिस्ट है और इन्होंने इस साल के सेट पे जो अपना कमाल दिखा दिया है। बिग बॉस का पूरा शो कैसा चलेगा वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस बार का सेट जो है बहुत ही ज्यादा दमदार लग रहा है। जैसे कि घर के अंदर में जगह जगह पे आप क्लाउंस देख सकते हो, वहीं पे जो है रॉयल टच के साथ में कुछ बेडरूम को डिजाइन किया गया है। और इस बार का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है वो कैप्टन का पर्सनल रूम का है। जब भी कोई कैप्टन बनता है उनको अलग रूम दिया जाता है, और वैसे ही इस बार भी डिजाइन किया गया है, लेकिन इस बार की खासियत यह है कि कैप्टन के रूम के अंदर में दिया गया है जकूजी। और जैसे कि आप सबको पता है कि कैप्टन का रूम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहता है, ताकि बाहर में जो कंटेस्टेंट है उस रूम को देख करके, उस फैसिलिटीज को देख करके ललचाए और अपना कैप्टन होने का दावा अगले दाव पे जरूर खेले। वहीं साथ साथ अगर आप थोड़ी डिटेलिंग में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे घर के अंदर में एनिमल को बहुत ही डिफरेंट तरीके से प्लेस किया गया है। वहीं क्लाउन्स का डिजाइन भी काफी दमदार लग रहा है। और साथ ही साथ उमंग कुमार का कहना था कि सर्कस अंदर में एक हिस्सा होता है जहां पे लोग कपड़े चेंज करते हैं या फिर अपने नेक्स्ट एक्ट के लिए तैयारी करते हैं, एक तरह से डिस्कशन रूम कह दो या फिर फास्ट चेंजिंग रूम। आर्टिस्ट अपने नेक्स्ट एक्ट के लिए अपने ड्रेस को फटाफट से चेंज करते हैं। वहीं आपको बिग बॉस के घर के अंदर में 9th फ्लोर नाम का भी एक जगह दिखाया जाता है, जो कि एग्जैक्टली मौत का कुआं है। सर्कस में अगर आपको याद होगा, मौत का कुआं का मतलब होता है एक ग्लोब बना रहता है और उसके अंदर में 5 से 8 मोटरसाइकिल दौड़ रहे होते हैं और बीच में रिंग मास्टर जो है खड़ा हो रहा होता है। रिंग मास्टर से याद आया, इस पूरे घर के अंदर में एक जगह ऐसा भी है जो कि रिंग मास्टर के नाम पे बनाया गया है। वैसे आपको ये पूरा घर कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर बताना, और आप कितने एक्साइटेड हुए इस सेट को देख करके वो भी जरूर बताना। बिग बॉस के ऐसे और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे, सो चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।